हाँ नमस्कार मित्रों, टारगेट भी था लोक यूट्यूब चैनल पर अनिल मिश्रा की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि मित्रों आपको मालूम है कि आलोक सर के निर्देशन में टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन बैच 2020 स्टार्ट किया गया है और मैं अनिल मिश्रा आप लोगों को संस्कृत विषय का अध्ययन कराऊंगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको जो है इस दशहरा की पूर्व संध्या पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, आप सदैव प्रसन्नचित रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मित्रों, संस्कृत विषय वस्तु से संबंधित आज मेरी ये पहली डेमो क्लास है, जबकि पहली क्लास में आपने पहले डेमो क्लास में मेरे आपने देखा था कि मैंने आपको संस्कृत शिक्षक कैसे बने इस विषय वस्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। लेकिन आज ये मेरी पहली डेमो क्लास है जो आपके टीजीटी से संबंधित पहली क्लास होगी। तो मित्रों, क्लास की शुरुआत से पहले थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो अपने करियर को कंप्लीट करने के बाद, बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, अब टीजी की तैयारी की शुरुआत करने चल रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले मित्रों, एक सुझाव और विषय वस्तु का अध्ययन कैसे करना है, थोड़ा सा इस पर चर्चा के बाद जो है मूल विषय वस्तु पर आते हैं कि देखिए, अभी आप तक करियर की शुरुआत की है, करियर की में कैसे पढ़ाई की जाती है, वहां विषय वस्तु को कैसे आपने पढ़ा है, और एक प्रतियोगिता में जो है विषय वस्तु को कैसे तैयार करना है, दोनों में बड़ा अंतर है। अब तक आपने देखा कि संस्कृत विषय वस्तु से संबंधित कोई भी आपका पेपर रहता था तो वहां आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते थे, आप देखते थे कि श्लोक है, श्लोक से या तो आपके जो है पूछ लिया जाता था कि जैसे संदर्भ सहित श्लोक की व्याख्या करना है, अनुवाद करना है, ऐसी पढ़ाई आपने पढ़ी है। लेकिन मित्रों, अब आपको जो है कंपटीशन देना है, और इस कंपटीशन में जैसे आज आपने देखा कि मैंने अपने पहले डेमो क्लास में आपके टीजीटी के सिलेबस से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मेघदूतम है, और मेघदूतम के मंगला चरण को मैं अपने पहले डेमो क्लास में रखा है, और आज यहाँ पर कैसे टीजीटी में पढ़ना है, टीजीटी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ कैसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए, आज मैं अपने पहले डेमो क्लास में आपको निर्दिष्ट करना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले देखिए मित्रों, आपने जो है मेघदूतम ग्रंथ का नाम क्या है, मेघदूतम, और मेघदूतम के मंगला चरण पर आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं से आपके प्रश्न की शुरुआत हो जाती है मित्रों, कि देखिए मेघदूतम का मंगला चरण, बड़ी उत्सुकता होती है कि मंगला चरण, मंगला चरण आखिर क्या है ये मंगलाचरण, मेघदूतम का मंगलाचरण है क्या चीज। बहुत सामान्य सी बातें हैं मित्रों, आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य आप जब करते हैं तो पहले आप करते क्या हैं, अपने किसी आराध्य देव की उपासना करते हैं। क्यों उपासना की जाती है, कि जिस कार्य को हम करने चल रहे हैं
उस कार्य में कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न हो। जिस कार्य को हम प्रारंभ कर रहे हैं बिना बाधा के वो पूर्ण हो जाए, आप उसमें किसी आराध्य देव की जो है मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वही चीज महाकवि कालिदास का ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेघदूतम, और मेघदूतम में के मंगलाचरण में कालिदास ने भी इस ग्रंथ की शुरुआत में जो है सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण का प्रारंभ उन्होंने इस ग्रंथ में किया है इस श्लोक से। तो एक चीज आपको कंफर्म हो गया कि मंगलाचरण क्या चीज है, क्यों मंगलाचरण किया जाता है, ऐसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज मित्रों, एक और बहुत बड़ी बात है कि अब तक आपने इस श्लोक को पढ़ा है, चाहे जैसे आपने पढ़ा है अपने एकेडमिक में, वहां पर कोई आपका बंधन नहीं था, अब आपको टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज यह होती है कि जैसे इस श्लोक है तो वह छंदबद्ध रचना है, तो विषय वस्तु को पढ़ा कैसे जाए, आपके पढ़ने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, कहां आपको कैसे रुकना है, थोड़ा सा यहां पर भी ध्यान देना नितांत आवश्यक है। इसके बाद मैं प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो देखिए आपके सामने ये श्लोक है मेघदूतम का मंगलाचरण। तो सबसे पहले तो यह बात है कि इस श्लोक को, इस मंगलाचरण को हम कैसे पढ़ें। तो देखिए पढ़ने से पहले मित्रों एक चीज जानना नितांत आवश्यक है कि मेघदूतम जो कालिदास की रचना है, इस कालिदास की रचना में एक छंद विधान का प्रयोग किया गया है, और छंद विधान में आपने देखा कि इसमें जो है मंदाक्रांता छंद है। क्या है भैया? इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस श्लोक को पढ़ा कैसे जाए? तो देखिए इसका लक्षण जो है इसमें विराजमान है, कह रहे कि मंदाक्रांता जलधि षड् गैम्भो नतो ताद गुरुचित। मंदाक्रांता जलधि षड् गैम्भो नतो ताद गुरुचेत। देखिए सबसे पहले मित्रों एक चीज आपको बात ध्यान देनी है कि यहां पर आप देखिए जलधि षड् गैम्भो, यहां तीन बातें बताई है। यही चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको जानना है कि कहां इस श्लोक में पढ़ते समय हमें रुकना है। तो देखिए जलधि, जलधि समुद्र, इनकी संख्या बता दी गई है चार। फिर कह रहे हैं कि षड्, भौरे के पैर, भौरे के कितने पैर होते हैं? तो कह रहे हैं कि छह। एक चीज और आप देख लीजिए, यहां पर दिया है अग, अग मींस होता है पर्वत, तो कह रहे हैं कि कुल पर्वतों की संख्या कितनी होती है, कुल पर्वतों की संख्या, तो कह रहे हैं कि सात। आपका सुझाव, अब देखिए इसमें है क्या, समुद्र की संख्या कितनी है चार, भौरे के कितने पैर होते हैं छह, समुद्र की संख्या कितनी बताई गई है सात। तो देखिए
कहां कहां आपको इस लोक में रुकना है, कैसे इस लोक को पढ़ना है, यह चीज आप देखिए। वर्णों की संख्या चार, चार पर वर्णों पर आपको रुकना है, फिर छह दस पर रुकना है, फिर सात पर रुकना है। छंद के प्रत्येक चरण में कहां कहां आपको रुकना है, कैसे इस लोक को पढ़ना है, तो देखिए छह, चार, छह और सात, इस श्लोक को कैसे पढ़ना है, कहां कहां हमें सांसें लेनी है, अब आपको इस ढंग से पढ़ना होगा मित्रों। तो देखिए चार, छह और सात कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो गई, सत्रह। तो देखिए मंदाक्रांता छंद की यह विशेषता है कि मंदाक्रांता छंद, क्योंकि संपूर्ण मेघदूत कालिदास की मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है मित्रों। और सारे इस श्लोक को कैसे पढ़ना है, आपको कह रहे हैं कि चार वर्ण पर रुकना है, दस पर, छह पर रुकना है, फिर सात पर रुकना है, इस तरह से आपको इस श्लोक को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, अब हम इस श्लोक का वाचन करते हैं, कैसे इस श्लोक का जो है वाचन किया जाएगा। तो देखिए अब इस श्लोक को पढ़ना है आपको, क्योंकि अब आपको प्रतियोगिता देनी है, क्योंकि मंदाक्रांता छंद बता दिया गया है कि मंदाक्रांता छंद का जो विधान है, मंदाक्रांता छंद जो गाया जाता है उसमें यति कहां कहां होनी चाहिए, आपको चार पर रुकना है। जैसे देखिए कश्चित, कश्चित चार है, कांता विरह गुरुड़ा यहां आपको रुकना है, स्वाधिकारात प्रमत्ता सात पर रुकना है, यही इसमें विधान बताया गया है। अब देखिए आपको वाचन करना है, कैसे वाचन करना है, थोड़ा सा यहां पर आपसे चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए इस श्लोक का वाचन हम आपके सामने कर रहे हैं, ऐसे ही आपको वाचन करना है। तो कैसे है, तो देखिए इस श्लोक आपके सामने है मित्रों, कह रहे हैं कि वाचन कैसे किया जाए। तो कहने कैसित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्ता शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु चक्रे जनक तनया स्नान पूर्योदकेशु स्निग्धिस छाया तरुस वसितिम रामगिरियाश्रमेशु। इस तरह से देखिए इसका वाचन करना है, आप लोगों को ऐसे पढ़ना है इस श्लोक को, पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद को कैसे पढ़ना, क्योंकि देखिए मित्रों मंदाक्रांता शोक गीत है, इसमें शोक गीत है, क्योंकि विरह है तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, आप जैसे हमने आपको बताया है इसी तरह से आपको पढ़ना है। एक बार फिर से इसका वाचन आपको करना चाहिए, और हम पुनः एक बार कर रहे हैं, आप ऐसे अभ्यास करिएगा। कह रहे हैं कि कैसित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्ता शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु यक्षस चक्रे जनक तनया स्नान पूर्योदकेशु स्निग्धिस छाया तरुषु वसितिम रामगिरियाश्रमेशु। तो आपने देखा
कि मंदाक्रांता छंद इसी तरह से पढ़ा जाता है और आपका यह श्लोक ऐसे ही पढ़ना है, हर चरण को जो है कहां कहां रुकना है, आपको 4 पर 6 पर और 7 पर विराम है, यति है, हर श्लोक पर वहां आपको सांस लेनी है। तो मित्रों एक चीज सबसे बड़ा प्रश्न है कि अब तक आपने व्याख्या पढ़ी है, आपको अनुवाद पढ़ा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि इस श्लोक में प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाते हैं। यहां टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करने चल रहे हैं तो आपको मैं व्याख्या भी बताऊंगा, लेकिन परीक्षा में कैसे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं यह आपको जानना नितांत आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले मंगलाचरण की बात मैं कर रहा हूं, और मंगलाचरण क्योंकि ऊपर दिया गया है मित्रों, एक कालिदास की रचना है। कालिदास संस्कृत साहित्य के ऐसे मूर्धन्य विद्वान हैं कि जैसे ही कालिदास का नाम लोगों के मना मस्तिष्क में आता है तो एक बात बड़ी सामने आने लगती है कि जैसे कालिदास कुछ बताना चाहते हैं, समाज को कुछ दिशा निर्देश करना चाहते हैं, अपने इस श्लोक के माध्यम से संपूर्ण ग्रंथ का वो कैसे परिचय देते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, फिर विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। पहली पंक्ति में जो है, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, कितनी मार्मिक बात है। हमने आपसे कहा कि मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में कालिदास ने बताया क्या है, आप इसी चरण को ले लीजिए। देखिए, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, क्योंकि मंगलाचरण है कैसा, तो कह रहे कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्या है भैया? कह रहे कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कालिदास ने जो मेघदूतम में मंगलाचरण की है वह कैसा है, तो कह रहे हैं कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो भाई कैसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, तो आप देखिए कहते क्या है कि कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा। अब देखिए यहां कश्चित यक्ष है, यह बताना क्या चाहते हैं इस ग्रंथ में, कहने कि कश्चित मेघदूतम की शुरुआत, इस ग्रंथ का प्रारंभ उन्होंने एक कश्चित पद से किया हुआ है। कह रहे कश्चित क्या है, तो कह रहे कश्चित यक्ष है। कश्चित कौन है? कह रहे कश्चित यक्ष है। दूसरी चीज बताना क्या चाहते हैं कि कांता, कांता क्या है? प्रिया है। यह क्या है? यक्षिणी है। क्या है भैया? यक्षिणी है। कांता कौन है? कांता यक्षिणी है। यक्षिणी के बारे में बता रहे हैं कि यह जो ग्रंथ है मेघदूतम, इस ग्रंथ का जो नायक है वह यक्ष है। कह रहे हैं कि इस ग्रंथ की जो नायिका है, जो कांता है, नायिका कौन है? तो कह रहे हैं कि इस ग्रंथ की नायिका जो है यक्षिणी है। तीसरी बात बता देना चाहते हैं, विरह गुरुड़ा, विरह गुरुड़ा, विरह मीन्स दुख, भारी दुख, भारी दुख। यह क्या है? विषय वस्तु है इस ग्रंथ का, क्या है? यह विषय वस्तु है। तो देखिए कितनी मार्मिक ढंग से कालिदास ने इस बात को निर्देश करना चाहा,
समाज को बताना चाहा कि मेघदूतम जो हमारी महत्वपूर्ण रचना है, जो गीत काव्य है, पहले ही पंक्ति में यह निर्देश कर देना चाहते हैं कि इस ग्रंथ का जो नायक है वह यक्ष है। कह रहे हैं कि इस ग्रंथ की जो नायिका है जो वह यक्षिणी है। तीसरी चीज बताना चाहते हैं, कह रहे हैं कि संपूर्ण मेघदूत का जो विषय वस्तु है, संपूर्ण मेघदूत का जो विषय वस्तु है उसमें वर्णन किस चीज का है, तो कह रहे हैं कि विरह का वर्णन है। क्या है? विरह का वर्णन है। तो आपका देखिए मंगलाचरण कितने बढ़िया ढंग से कहा जाता, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। मेघदूतम की मंगलाचरण कैसी है? कह रहे कि मेघदूतम की मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। क्यों है? देखिए ये भी आप जान लीजिए, इसमें कह है, कश्चित बना कैसे है, कह धन चित, दो पदों से मिलकर के ये बना है। कह यह ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म का वाचक है, चित क्या है यह भी ब्रह्म का वाचक है। अब कह रहे कि दो बार वाचन करने के कारण यह हो क्या जाता है, मांगलिक हो जाता है, और इसी कारण मांगलिक होने के साथ साथ आगे यह भी बता देना चाहते हैं कि भैया देखिए मेक्स का नायक जो है यक्ष है, इसकी नायिका जो है यक्षिणी है, और संपूर्ण मेघदूत का जो विषय वस्तु है वह विरह है, वह दुख है। तो आपका मंगलाचरण इंगित कर देते हैं कालिदास की संपूर्ण मेघदूतम में ऐसी मंगलाचरण की गई है। तो देखिए आपका प्रसंग मंगलाचरण क्लियर हो गया। अब एक बात और आपके सामने आती है कि देखिए कि अब तक आपसे जो प्रश्न पूछा जाता था, हमने आपको बताया कि आपसे व्याख्या पूछी जाती थी, ग्रेजुएशन स्तर पर जो आपकी तैयारी रही वहां जब ऐसे प्रश्न आते थे तो संस्कृत में या तो व्याख्या पूछी जाती थी या तो संस्कृत में अनुवाद पूछा जाता था। मित्रों अब यह चीज आपको नहीं पढ़ना है, यहां से कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस पर आपको जानना जरूरी है, लेकिन मैं व्याख्या भी बताऊंगा और कैसे इसको पढ़ना है, कैसे प्रश्न आने हैं इसको भी आपको बताऊंगा। तो अब आइए सबसे पहले इस श्लोक में कालिदास बताना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा हो। तो देखिए इस श्लोक की जब हम व्याख्या करते हैं कहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, मित्रों कैसे इसकी व्याख्या की जाए। तो देखिए सबसे पहले हम तीसरे पंक्ति पर आते हैं। तीसरे पंक्ति पर यहां से हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखिए तीसरे पंक्ति में लिखा क्या गया है, कह रहे कि यक्ष चक्र जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धस छाया तरुषुवसितिं रामगिरियाश्रमेषु। तो देखिए शोक में इसको आपको व्यक्त करना, जब भी इस श्लोक को आपको पढ़ना है तो आपके मन चित्त पर ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए, आपको लगे कि आप विरह में हैं। तो देखिए इस श्लोक को यहीं से अर्थ आपको बताना है। कालिदास बताना क्या चाहते हैं इस श्लोक में, थोड़ा सा इस पर चर्चा हो। तो कर कि यच्छा है, यच्छा है वसतिम चक्रे, चक्रे इस श्लोक का की क्रिया है। आप जानते हैं कैसे प्रयोग किया जाता है, कर्ता कर्म क्रिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताइए कालिदास ने अपने पहले मंगलाचरण में किस क्रियापद का प्रयोग किया है, तो कह रहे हैं कि चक्रे, चक्र मीन्स करने लगा, वस्तिम निवास करने लगा, यही चीज आपको बताना। तो देखिए कितने मार्मिक ढंग से कालिदास वर्णन करना चाहते हैं। क
कनक यक्ष वसतिम चक्रे। क्या बता रहे हैं कि यक्ष वसतिम चक्रे, यक्ष निवास करने लगा। कहां निवास करने लगा? कह रहे हैं कि यक्ष वसतिम चक्रे, यक्ष निवास करने लगा। कहां निवास करने लगा? तो कह रहे हैं कि रामगिरी आश्रमेशु। कहां निवास करने लगा? कह रहे हैं कि रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। चौथी लाइन देखिए कितनी, अब चौथी लाइन पर हम आना चाहते हैं। तो एक बात यहां से मित्रों आपको जानना नितांत आवश्यक है, करे कि यक्ष वस्तिम चक्रे, यक्ष निवास करने लगा। कहां निवास करने लगा? करे कि रामगिरी आश्रमेश, रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। कितनी मार्मिक बात है। अब यहां से देखिए, यही पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए। यहां से प्रश्न निकल करके आ गया, रामगिरी आश्रमेश, रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। कौन निवास करने लगा? यक्ष निवास करने लगा। आपका जो नायक है वो कहां निवास करने लगा? रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। प्रश्न यहीं से उठ जाता है मित्रों कि रहने वाला तो यक्ष है, रहने वाला तो यक्ष है, यहां रामगिरी आश्रमेश पद लिखा गया है, रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा है? तो यहां बहुवचनांत क्यों किया गया है? तो आप यक्ष की जब विरह दुख के बारे में जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। यहां चक्रे पद का विधान कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति व्यथित होगा, जो भी व्यक्ति विरह में होगा, उसमें बेचैनी कितनी होती है। वो कभी जागता है तो कभी सोता है, तो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए यहां पर बहुवचनांत शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, रामगिरी आश्रमेश। अब आप देखिए, आप ग्रेजुएशन स्तर पर जो पढ़े थे वहां का तरीका क्या था, अब इसी एक पद से रामगिरी आश्रमेश सप्तमी बहुवचन शब्द का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। अब मित्रों आपको बड़े सरल ढंग से इस श्लोक को पकड़ लेना है। इस श्लोक में जितने भी पद सप्तमी बहुवचनांत हैं, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं, वह रामगिरी आश्रम के विशेषण है। देखिए, रामगिरी आश्रमेशु स्निग्धिस छाया तरुषु। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए स्निग्धिस छाया तरुषु किसका विशेषण है? तो आपको आंख मूंद करके बता देना है कि रामगिरी आश्रम का विशेषण है। क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया सप्तमी बहुवचनांत शब्द का प्रयोग यहां पर आश्रम में किया गया है, तो इससे संबंधित जितने पद आएंगे। देखिए, जनक तनया स्नान पूर्णियोद केशु, यह किसका विशेषण है? तो आपको आंख मूंद कर बता देना है कि रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रम का विशेषण है। अब देखिए, एक लाइन आपकी क्लियर हो गई, तीसरी लाइन क्लियर हो गई। करे कि यक्ष वसतिम चक्रे रामगिरी आश्रमेशु, यक्ष निवास कहां करने लगा? रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। अब यह लाइन आपकी क्लियर हो गई मित्रों। अब तीसरी चौथी लाइन पर अब आते हैं। देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई रामगिरी आश्रम है कैसा है, रामगिरी आश्रम की विशेषता क्या है?
क्योंकि यक्ष कहाँ निवास कर रहा है? रामगिर के आश्रम में निवास कर रहा है। तो रामगिर के आश्रम में निवास करने की उसकी जो विशेषता बता रहे हैं कि भैया रामगिर आश्रम कैसा है, तो कह रहे कि स्निग्ध छाया तारुषु, स्निग्ध छाया तारुषु। उस रामगिर के आश्रम में स्निग्ध छाया, घनीभूत छाया, वह वृक्षों बड़े बड़े वृक्षों से युक्त हैं, छायादार वृक्षों से युक्त हैं। रामगिरि पर्वत कैसा है भैया? तो कह रहे स्निग्ध छाया तरुषु, वह छायादार घनीभूत छायादार वृक्षों से युक्त है। कौन युक्त है? रामगिरि आश्रम। तो एक विशेषता आपकी यह भी बता दी गई है कि भैया रामगिरि आश्रम कैसा है, तो स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छाया तरुषु। दूसरी बात बता देना चाहते हैं कालिदास के विशेषणों की, यही सबसे बड़ी महत्ता है। दूसरी बात क्या बताना चाहते हैं? जनक तनया स्नान पूर्योद केसु, देखिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। रामगिरि आश्रम ऐसा पर्वत नहीं है, कह रहे उसकी एक और विशेषता है। वह विशेषता क्या है? कह रहे कि स्निग्ध छाया तरुषु, और दूसरी चीज क्या बता रहे हैं कि जनक तनया स्नान पूर्योद केसु। जनक नंदनी अर्थात सीता जी के बारे में बता, देखिए कालिदास का प्रसंग कितना मार्मिक है। यहां सीता के बारे में वर्णन नहीं करना चाहते हैं, यहां कह दिए जनक तनया। ऐसा भाई कालिदास ने क्यों कह दिया? सीता की महिमा को डायरेक्ट यहां पर गान करना चाहिए था, बताना चाहिए था, लेकिन कालिदास ने यहां ऐसा नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि जनक तनया, यह जो रामगिरि आश्रम है, वनवास काल की अवधि में भगवान राम सीता सहित इस रामगिरि पर्वत पर निवास किया था, और निवास करने के साथ साथ क्योंकि यह पर्वत है, इस पर्वतों की घाटों पर उन्होंने अपना यहां पर स्नान किया था, या अपने स्नान के जल से इस रामगिरि पर्वत को पवित्र किया था। तो कह रहे हैं एक विशेषता यह भी है कि सीता जी के स्नान के द्वारा रामगिरि पर्वत की पवित्रता बताई जा रही है। तो देखिए दो विशेषता जो है रामगिरि आश्रम की बताई गई है कि रामगिरि आश्रम कैसा है। तो कह रहे कि सीता क्या है, कह रहे कि स्निग्ध छाया तरुषु, दूसरी चीज कह रहे हैं कि जनक तनया स्नान पूर्योद केसु, मतलब सीता जी के जल के स्नान से पवित्र यह रामगिरि पर्वत है। दूसरी चीज इसमें बताई जा रही है कि यह पर्वत ऐसा पर्वत है जो घनीभूत छाया वाले वृक्षों से युक्त है, यह रामगिरि पर्वत। तो देखिए रामगिरि पर्वत की विशेषता बता दी गई आपको कि यक्ष निवास कहां कर रहा है, यक्ष रामगिरि पर्वत पर निवास कर रहा है। रामगिरि पर्वत है कैसा? तो कह रहे हैं कि घनीभूत छाया से युक्त वृक्षों वाला है। दूसरी चीज बता रहे हैं कि सीता जी के जल से, सीता जी के स्नान के द्वारा या पवित्र जल से यह रामगिरि पर्वत पवित्र किया गया है, तो इस विशेषता को बता रहे हैं। अब प्रश्न आता है तीसरे श्लोक पर, कह रहे हैं कि भैया आखिर ये रामगिरि पर्वत पर यक्ष निवास क्यों कर रहा है? भाई यहां पर निवास करने का कारण क्या है? तो देखिए तो कह रहे कि शापेन,
तिसापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर तू है। निवास करने का कारण क्या है, क्यों रक्षराम गिरि पर्वत पर निवास कर रहा है? तो आपके प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है कि शापेन। क्या है भैया? शापेन, शाप के कारण, शाप के कारण रामगिरि पर्वत पर यक्ष को निवास करने का कारण क्या है? तो कालिदास बताना चाहते हैं, कालिदास बताना क्या चाहते हैं, कह रहे हैं कि शापेन। क्या बता रहे हैं भैया? कह रहे हैं कि शापेन, साप के कारण, साप के कारण यक्ष कहां निवास कर रहा है? रामगिरि पर्वत पर निवास कर रहा है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, थोड़ा सा यहां पर बताना चाहते हैं थोड़ा सा। कह रहे कि सांप के कारण, सांप किसने दिया है? तो कह रहे कि भारतु हो। बड़ा मार्मिक प्रश्न आ गया, यक्ष रामगिरि पर्वत पर निवास कर रहा है, निवास करने लगा, क्यों निवास करने लगा? करें कि सापेन, साप के कारण। साप किसने दिया? तो करें कि भरतु हो। भरतु मीन्स स्वामी, यक्ष का स्वामी। यक्ष का स्वामी है कौन? करें कि कुबेर। थोड़ा सा देखिए कितना रोचक प्रश्न है, यक्ष सामान्य व्यक्ति नहीं है मित्रों, क्योंकि कुबेर की नगरी अलकापुरी है, यक्ष राज महलों में रहता था, वह देव योनि में था, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन आज वह, उसकी सारी महिमा नष्ट हो गई है, और आज क्या है वो, कहां निवास कर रहा है? रामगिरि पर्वत पर निवास कर रहा है। निवास क्यों कर रहा है? कहने कि सापेन, साप के कारण निवास कर रहा है मित्रों। तो फिर कह रहे कि सापेन, साप दिया किसने? तो कह रहे कि भरतु हो। भरतु मीन्स स्वामी, उस यक्ष का जो स्वामी है, उस स्वामी ने जो है यक्ष को साप दे दिया है, और उसी साप के कारण जो है वो निवास कर रहा है कहां? रामगिरि पर्वत पर निवास कर रहा है। तो भैया एक चीज और आपको जानना है, आखिर जब साप दे दिया गया तो क्या स्थिति उत्पन्न हो गई? तो देखिए, कितने दिन जो है रामगिरि पर्वत पर निवास करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष भोगेण, देखिए कारण कि सापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेण भर तू है। तो देखिए यहां पर कालिदास टाइम पीरियड भी बता दे रहे हैं कि उस यक्ष को रामगिरि पर्वत पर कितने दिनों तक निवास करना है। तो कह रहे कि वर्ष भोगेण, उस यक्ष का स्वामी अर्थात कुबेर ने जो यक्ष को साप दिया है, वह साप कितने दिनों के लिए है? तो कह रहे कि वर्ष भोगेण, एक वर्ष तक जो है उसको कहां निवास करना है? रामगिरि पर्वत पर निवास करना है। तो एक बहुत बड़ी बात, सांप का कारण क्या है, सांप का क्या प्रभाव है, एक चीज यह भी जान लेना जरूरी है। इसी लाइन में बता रहे हैं कि गमित महिमा, गमित महिमा, गमित मीन्स चली गई, महिमा मीन्स उसकी जो महत्व था, उसकी जो सिद्धियां थी, क्योंकि देव योनि थी,
देवयोनि में होने के कारण क्या थी, उसे अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, वो जहां चाहे चला जाए, जो चाहे करे। तो कह रहे कि जब स्वामी ने साप दे दिया तब क्या हो गया, करें अस्तंगमित महिमा। इस टॉपिक पर आइए, कह रहे कि जो उसकी महिमा थी वह महिमा अब चली गई, वह महिमा अब नष्ट हो गई, अब उसके पास कोई भी सिद्धि नहीं रह गई। जब सिद्धियां नष्ट हो गई तब उसे करना क्या है, अब सजा भुगतनी है। सजा कैसे भुगतनी है इसको आगे बताना चाहते हैं कालिदास, ये भी इस बात को जान लीजिए। तो कह रहे कि स्वाधिकारात प्रमत्ता, यहीं से इस श्लोक की शुरुआत होती है, पहले पंक्ति पर आना चाहता हूं। कह रहे कि स्वाधिकारात प्रमत्ता है, आखिर कुबेर ने जो यक्ष का स्वामी है, यक्ष का जो स्वामी है, वो साप क्यों दिया, साप देने का कारण क्या है। तो कह रहे कि स्वाधिकारात प्रमत्ता है, स्वाधिकारात प्रमत्ता है। कह रहे कि यक्ष ने साप क्यों दिया, कह रहे कि स्वाधिकारात प्रमत्ता है, वह कर्तव्य च्युत हो गया, उसे जो कार्य दिया गया था उस कार्य को उसने पूरा नहीं किया। तो देखिए कितनी मार्मिक बातें हैं, आपके ऊपर जो भी नैतिक कर्तव्य नैतिक जिम्मेदारी दी जाती है, यदि आप उस कार्य को नहीं करते हैं तो आप किस चीज के भागी होते हैं, आप दंड के भागीदार होते हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए। कालिदास का कितना मार्मिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, समाज को क्या शिक्षा यहां से देना चाहते हैं, यदि आप अपने नैतिक कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं तो आपको दंड मिलना चाहिए। दंड कैसा मिलना चाहिए वह भी बताना चाहते हैं कि दंड इस तरह से विधान जो कठोरतम विधान हो, जहां सबसे ज्यादा दुख हो वो सजा आपको मिलनी चाहिए। तो कहने कि यहां पर यक्ष को सजा क्या क्यों मिल रही है, स्वाधिकारात प्रमत्ता है, वह अपने कर्तव्य से च्युत हो गया है, जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी उस जिम्मेदारी को उसने पूरा नहीं किया। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया बताइए स्वाधिकारात प्रमत्ता पद किसके लिए आया हुआ है, तो यक्ष के लिए आया हुआ है। करे कि यक्ष को साप क्यों मिला, साप मिलने का कारण क्या है, तो उसका जवाब दे दिया कालिदास ने, कह रहे हैं कि स्वाधिकारात प्रमत्ता, मतलब अपने कर्तव्य से च्युत होने के कारण यक्ष का जो स्वामी था वह यक्ष को साप दे दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, तो आखिर अब यह भी बताना चाहते हैं कि साप क्या दिया, जब वह कर्तव्य च्युत हो गया तो आखिर उसे कौन सी सजा मिली, कौन सा दंड का विधान दिया गया उस अक्ष को। तो सबसे मार्मिक बात बताना चाहते हैं पहले पंक्ति में है, कांता विरह गुरुड़ा, कांता विरह गुरुड़ा, कांता मीन्स प्रिया। यहां भी कालिदास के विशेषणों पर जो है थोड़ा सा चर्चा करना है मित्रों। देखिए कांता मीन्स प्रिया, कालिदास को यहां भार्या शब्द का भी प्रयोग कर देना चाहिए था, जाया पद का प्रयोग कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भार्या पद का प्रयोग नहीं किया, पत्नी पद का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहां पर कालिदास ने कांता पद का प्रयोग कर दिया है। क्यों कर दिया है, करे कि कांता पद, जो कांता विरह है सबसे बड़ा दुख है, कांता विरह, आप अपनी प्रेमिका से यदि आप दूर हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा बेचैनी आपको कांता से ही होती है,
आज वर्तमान परिवेश में देखें, सामान्य प्रक्रिया में भी आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं। यदि आपको पत्नी से बात करना हो तो पत्नी से बात करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है, लेकिन कहीं कांता से यदि बात करना हो तो पूरी रात बीत जाती है, बैटरी ऑफ हो जाती है, तो आत्महत्या भी करने के लिए आप प्रयास करते हैं। और कालिदास इस बात को बताना चाहते हैं, यही बात, कि सबसे ज्यादा दुख कांता से ही है, कांता विरह है। दुनिया में कालिदास के शब्दों में सबसे बड़ा दुख है। यहां कालिदास शिक्षा देना चाहते हैं समाज में। तो देखिए, जब यक्ष अपने कर्तव्य से च्युत हो गया, जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी उस जिम्मेदारी को उसने पूरा नहीं किया, तो यक्ष का स्वामी जो था उसे साप दे दिया। और साप क्या दिया, कि आपको अपनी कांता से दूर रहना है। कब तक दूर रहना है? 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले, मतलब आप 1 वर्ष तक अपनी प्रिया से दूर रह करके आपको ऐसे स्थान पर निवास करना है जैसे आज जेल है। आप दंड के भागी होते हैं, बड़े अपराध करते हैं तो आपको सजा मिलती है। सजा कहां बितानी पड़ती है? जेल के दायरे में बितानी पड़ती है। वहां आपका दायरा सीमित कर दिया जाता है कि उसी सीमा में रह करके आप उतने समय को आपको बिताना है। वही चीज यहां पर कालिदास बताना चाहते हैं, यह कर्तव्य च्युत हो गया है जो राज महलों में रहता था। भाई, कुबेर की नगरी अलकापुरी है, कुबेर के महल में निवास करने वाला उनका सेवक कर्तव्य च्युत होने के कारण जो महलों में रहता था, आज उसको पर्वतों पर निवास करना पड़ रहा है। और कैसे निवास करना पड़ रहा, जो अपनी प्रिया से एक क्षण भी वियुक्त नहीं होना पड़ता था, अब उसको साल भर प्रिया से दूर रहना है। तो देखिए कालिदास यहां पर कितनी मार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। आपका पूरा प्रसंग क्लियर हो गया। कह रहे हैं कि स्वाधिकारात प्रमत्ता है, अपने अधिकार से कर्तव्य च्युत, सापेन, साप के कारण, किसके साप के कारण, भर्तु, स्वामी के साप के कारण, अस्तंगमित महिमा, वर्ष भोगेण, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले जिसकी महिमा नष्ट हो गई है, ऐसा यक्ष है, कश्चित यक्ष है, ऐसा यक्ष है, कहां निवास कर रहा है, वस्ति में, रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। रामगिरी, देखिए एक चीज और है मित्रों, जो सुख सुविधा संपन्न है, क्योंकि अलकापुरी कुबेर की नगरी है, कुबेर ने अलकापुरी को बसाया है, वह देवताओं की नगरी है, वहां किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन यहां रामगिरी आश्रम बहुत पवित्र स्थान है। देखिए सामान्य स्थान पर वह नहीं रहा है, क्योंकि वह ऐसे स्थान पर रह करके जीवन व्यतीत कर रहा है, अपने कष्ट को बिता रहा है, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास काल में अपने समय को बिताया था। वहां बड़े बड़े वृक्ष हैं, घनीभूत छाया है, वृक्षों से लदे हुए, फलों से भरे हुए, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु। तो ऐसे स्थान पर जो है आपका यक्ष निवास कर रहा है। कालिदास की इस प्रसंग में, इस श्लोक में देखिए कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने दिया है। तो देखिए मित्रों, इस श्लोक का सारा प्रसंग मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और, अब मूल बिंदु पर आना चाहते हैं। इतनी तो बातें आपने सुन लिया, अच्छा लगा, लेकिन परीक्षा प्रयोगी बातें भी कुछ होनी चाहिए,
कि आपसे अब यहां से प्रश्न कैसे आने चाहिए, तो सबसे पहले मित्रों यहीं से पहला प्रश्न है, कह रहे कि कश्चित, यहीं से शुरुआत हो जाएगी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया बताइए कालिदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसकी शुरुआत कश्चित पद से हुई है। प्रश्न, सीधा सा प्रश्न बनता है कि कालिदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसकी शुरुआत कश्चित पद से हुई है, तो शायद प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। यह पहला प्रश्न आपका बनेगा मेघदूतम, सीधा सीधा सा प्रश्न है। दूसरी बात, स्वाधिकारात प्रमत्ता, यहां पर आपको ध्यान देना है, स्वाधिकारात प्रमत्ता में आपसे विभक्ति निर्देश पूछा जाएगा, क्योंकि जब आपको अर्थबोधन करना है, आपको अर्थ बताना है, तो यही पद से जो है इसकी शुरुआत होती है। यहां से विभक्ति निर्देश आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया स्वाधिकारात पद किसके लिए आया हुआ। तो देखिए यहां पर पंचमी विभक्ति का विधान है, पंचमी विभक्ति। एक प्रश्न यह जो है बन सकता है, दूसरा प्रश्न है यहां से सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो आप सिंपल सी बातें हैं, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम एक वार्तिक है, उसी से इसमें पंचमी विभक्ति का विधान कर दिया जाता है। तो एक प्रश्न यहां से यह निकल करके आता है, इसको आपको ध्यान देना है मित्रों। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये, महिमा आरिमा, महिमा गरिमा लघिमा, ये क्या है, सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं। ये किस में होती हैं, ये पुलिंग में होती हैं। ये क्या होती हैं, पुलिंग होती हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इसलिए देखिए महिमा शब्द में महत धन इमिनिच प्रत्यय लगता है, पुलिंगांत शब्द बनते हैं, महत धन इमिनिच बनता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जो इस श्लोक में है, यह प्रश्न बन सकता है, बनता है। तो ऐसे आपको यहां पर ना ध्यान देना है, कितने वर्ष तक जो है भोगे जाने वाले अपराध को, तो कह रहे हैं कि वर्ष भोगेण, यक्ष को जो साप दिया गया है कितने वर्षों का साप दिया गया है, आपका प्रश्न यह भी बना है। तो आप देखिए कितना मार्मिक है, कालिदास ने टाइम पीरियड बताया है, उस यक्ष को एक वर्ष तक भोगना है, जो अपने कार्य से कर्तव्यच्युत है उसको रामगिरि पर्वत पर प्रिया से वियुक्त होकर के एक वर्ष तक निवास करना है। तो देखिए यहां पर भोगेण पद जो है, यहां नाकोड़ा, नाकोड़ा भोगेण शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। एक सूत्र आता है कुमतिचा, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भोगेण में जो है नाकोड़ा, किस सूत्र के द्वारा जो है नाकोड़ा आदेश किया गया है, तो कुमतिचा। साक्षात्कार की परीक्षाओं में भी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहां पर मित्रों यह ध्यान देना। भरतुह पद है, आपसे विभक्त निर्देश पूछा जा सकता है कि प्रथमा विभक्त एक वचन में जो है यह स्वामी पद के लिए आया हुआ है, तो यहां पर थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान देना है। फिर हमने आपको देखिए बताया और महत्वपूर्ण, जैसे जनक तनया है, आपसे पूछा जा सकता है जनक तनया पद, जनक तनया पद आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताइए जनक तनया पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो जनक तनया सीता जी के लिए प्रयुक्त किया गया है।
यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए यह पद आपसे महत्वपूर्ण है। किसकी विशेषता बताई गई है जनक तनया के माध्यम से? इस रामगिरी आश्रम की विशेषता बताई जा रही है। और यह पद किसके लिए आया हुआ है? तो कह रहे हैं कि सीता जी के लिए आया हुआ है। तो दो तरह से देखिए ये इंगित कर रहा है। अब देखिए कुछ पारिभाषिक टिप्पणियां हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। जैसे गमितः शब्द है, गमितः शब्द कह रहे हैं कि गमितः शब्द बना कैसे है पद? तो कह रहे हैं कि इसमें देखिए गम धातु है, गम धातु है प्लस ऋच प्रत्यय है, प्रेरणार्थक धातु हो जाती है। गम धन ऋच धन अक्त। एक यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जो है महिमा में हमने बताया है कि महिमा पद कैसे बना है। यदि आपसे कभी पूछा जाए तो महत धन इमनिच क्या है? महत धन इमनिच। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक चीज आपसे और पूछा जा सकता है कि भैया मेघदूतम में जो मंगलाचरण किया गया है उसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो कह रहे हैं कि मेघदूतम में हमने पहले ही बता दिया, इसको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, कि संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता छंद में कुल 17 वर्ण होते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? तो विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है मित्रों। और इसी के साथ साथ आज की जो ये क्लास है यहीं पर जो है समापन होना चाहिए। और एक चीज आपसे, यदि क्लास पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और इसी के साथ साथ एक बार इस दशहरा के पूर्व पावन संध्या पर आप लोगों को बार बार साधुवाद एवं धन्यवाद।